नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में बिरसिंहपुर पाली न्यायालय परिसर पर एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश व पीठासीन अधिकारी श्री विकास शर्मा के द्वारा माँ सरस्वती के चित्रपट के समीप दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया गया। लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग्य मामले, मोटर व्हीकल एक्ट व बैंक नगर पालिका के वसूली मामलों की सुनवाई कर निराकरण किया गया। तहसील न्यायालय बिरसिंहपुर पाली में विकास कुमार शर्मा जी हमारे यहाँ के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक न्यायाधीश के नेतृत्व में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें कुल 157 मामले प्री लिटिगेशन के रखे गए थे, जिसमें से 39 मामलों का प्रकरणों का यहाँ पर निराकरण किया गया और कुल यहाँ पर 241,755 रुपये की वसूली भी की गई। और जो इस खंडपीठ यहाँ पर बनाई गई थी, आज उसके जो सदस्य थे सम्माननीय श्री अधिवक्ता हैं अरविंद गुप्ता जी एवं सम्माननीय श्री सतीश त्रिपाठी जी, और पूरा आयोजन ये विकास कुमार शर्मा जी जो हमारे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक हैं उनके नेतृत्व में किया गया था और सफल आयोजन रहा। ये लोक अदालत निश्चित ही एक प्रकरण के निराकरण के लिए बिना कोई विवाद के प्रकरण को निपटाने का बहुत सुलह तरीका है। कहा जाता है कि लोक अदालत का सार ना जीत ना हार, इसमें कोई भी पक्षकार ना जीतता है ना कोई हारता है और दोनों को बराबर न्याय मिल जाता है, खुद खुशी परिवार अपने घर चले जाते हैं। जहाँ तक राजीनामा का प्रश्न है तो हमारा पाली बार इतना अच्छा बार है कि अभी तक मेरे 10 साल के कैरियर में मैंने ऐसा बार नहीं देखा। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।